أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. कल जो लास्ट आयत हमने पढ़ी थी ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, नहीं वो पूछा जाता उसके बारे में जो वो करता है और वो पूछे जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत आयत रही, इस पर इतनी डिटेल से बात नहीं कर सके, लेकिन ये यूं समझें कि वैसे तो शिर्क की तर्दीद के अंदर ये आयत नाजिल हुई, समझें शिर्क की अकली दलील, अकली तर्दीद की गई है। जहाँ पे शिर्क की तर्दीद में दो बातें अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाई, एक ये लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदत। तो अकली दलील कहते हैं कि जिसमें कोई शरीयत का अमल दखल ना हो, अकल भी उस चीज को एक्सेप्ट करे। तो कहा कि अगर एक से ज्यादा इलाह होते तो सोचो कि जमीन पे फसाद पर पहुंच पाए। अकली तर्दीद थी। दूसरी अकली तर्दीद की गई ला युसअलु अम्मा यफअल, तुम सोचते हो कि अल्लाह ने अपने अलावा किसी क्यों नहीं आगे आने दिया, क्यों नहीं लीडर बनाया, क्यों अपने साथ नहीं बिठाया, तो तुम उससे नहीं पूछ सकते कि उसने क्यों ऐसा किया। मसलन हम अगर एक दूसरे पर गौर करें, किसी को हमसे ज्यादा मिल जाता है, किसी को हमसे कम मिल जाता है, कोई हमसे ज्यादा सेहतमंद होता है, कोई कम सेहतमंद होता है, किसी के पास मुश्किलें ज्यादा होती हैं, किसी के पास कम होती हैं। हमारी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी है, हमारे अपने हमारे लिए अजियत का सबब बन रहे हैं, तो समझे कि ये वो नहीं कर रहे, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आपकी आजमाइश हो रही। अब आप कहेंगे यार आपने क्यों किया, तो ये आयत आपके लिए आई ओपनिंग है कि ला युसअलु अम्मा यफअल, वो नहीं पूछा जाएगा, उसे कोई नहीं पूछ सकता कि वो जो कर रहा है, लेकिन जो तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम उसकी आजमाइश पर बेसब्री, उसकी आजमाइश पर शिकवा, उसकी आजमाइश पर लोगों के अगेंस्ट हो रही हो, उसकी आजमाइश पर उसकी हिकमतों को नहीं समझ रहे, उसने तुम्हें एक आजमाइश में मुबतला किया है, उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो और हर दफा अल्लाह से शिकवा करते हो, वहूं भी उस अलू तुमसे पूछा जाएगा, वो पूछे जाएंगे जो वो कर रहे हैं, लेकिन रब नहीं पूछा जा सकता, रब को कोई कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, वो है जो बादशाह, वो लोगों को कटहरे में खड़ा करेगा। इसलिए ये आयत बेहतरीन जवाब है हमारे शिकवों का जो हम अल्लाह से करते हैं, या अल्लाह वाय मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में ही मुश्किलें क्यों, मेरा दिमाग क्यों काम है, मैं ही कम अक्ल क्यों। तो ये अल्लाह से शिकवा ही है कि हम अल्लाह की रिजा पे राजी हैं, रब ने कोई ना कोई कमी हर इंसान की जिंदगी में रखी है, तो हम यूं चाहते हैं कि हमें हर चीज मिल जाए, ठीक है। तो जो चीजें दी हैं उस पर इतनी उन्हें तो इतना शुक्र अदा करें कि ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम। और ये बात है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपको और ज्यादा अदा करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम और ला युसअलु अम्मा यफअल ज़हन में रखते हुए नेमतों को गिने ना कि अपनी महरूमियों को काउंट करें। महरूमियां काउंट करेंगी तो बहुत सी आ जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन जब हम कंपैरिजन जब होता है ना दूसरों के साथ, तो जाहिर बात है कि लोगों के दुखों को तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी नेमतों का पता है,
और हमें अपनी नियमतों का नहीं पता होता, दुखों का पता होता है, तो हम गलत चीजों को कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को कंपेयर करें, तब इंसान असल हल निकालता अपने। तो अब मजीद अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, इत्तखज़ू मिन दूनिही, या उन्होंने बना लिए इसके सिवा आलिहतन कुछ इलाह, कुल हाथ बुरहाना को, लाओ दलील अपनी। अब वहां पीछे अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उनको अकली दलील का कहा, अब नकली दलील। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाह हो कोई हम माने और तुम सच्चे हो, तुम्हारे इलाह ठीक है, तो एक काम करो कि अपनी अपनी दलील लाओ। जैसे हमारे पास किताब कुरान है जो हमारे लिए एक हिदायत का सबब बनी है, हादा दिक्रू में मम माइया, ये जिक्र है उनका जो मेरे साथ है। इससे मुराद कौन है? ये तो ही के हक होने और शिर्क के बातिल होने की दलील यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु तआला देने लगे हैं। मम माइया से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुस्लिम, और जिक्र से मुराद कौन है? कुरान, जो इस उम्मत के लिए नसीहत है। सूरत अंबिया आयत 10 में भी हम पढ़ के आए हैं, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते ना, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबं फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताअक़िलून, कि बेशक हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की जो जिक्र है, नसीहत है तुम्हारे लिए, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तो कहा कि ये जिक्र है जो मेरे साथ है, उनके पास किताब है। वज़िक्रु मा क़ब्ली, और जिक्र उनका भी जो मुझसे पहले है। मुराद पहली उम्मतों पर होने वाली नाज़िल होने वाली किताबें, तौरात इंजील ज़बूर और सुहूफ़ इब्राहिम। तो कहा कि किताब कुरान और बाकी किताबें भी तुम्हारी दस्तरस में है, तो किसी को भी उठाओ और इसमें से कोई भी शिर्क की दलील ढूंढ के बताओ। वैसे वो जाते थे ना उलमा के पास, यहूद नसारा के, चलो उन्हीं की किताबें खोलो और उन्हीं में से कोई एक दलील बताओ कि अल्लाह ने शिर्क की तरफ से हमें कहा। ये कहा हो कि जी अल्लाह के अलावा इलाह हो सकते हैं, वो ये दलील अहले इल्म की शहादत दिखा दो कि अल्लाह के सिवा भी मबूद बनाए जा सकते हैं। लेकिन सो तालीम रात आयत 18 में अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइकातु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह ने इस बात की गवाही दी है कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी इस चीज की गवाही दी है, इस हाल में कि वो इंसाफ कर रहे हैं, वो ज्यादती नहीं कर रहे, इंसाफ के साथ वो ये दलाइल पेश कर रहे हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? ला इलाहा इल्लाहू, कि वही है इलाह, कोई नहीं उसके अलावा, वो अजीज भी है और हकीम भी है। तो कुरान में बहुत सी आयात आपको मिलेंगी जो शिर्क की नकली तरदीद करती है। नकली तरदीद मसलन कि उसकी अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, अक्सर लोग जानते ही नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते। अल हक फहुम मुरिज़ून, हक तो वो ही जिससे वो एराज करने वाले हैं। हक को तो वो जानना ही नहीं चाहते, कहीं हमें मानना ना पड़े। आप अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो हक इस वजह से नहीं जानते के उनको कहीं मानना ना पड़ जाए। ठीक है, आप कुरान की तरफ बुलाए ना किसी को तो क्या कहते हैं? जब सीख लिया तो अमल करना पड़ेगा, अमल ना किया तो ज्यादा बोझ हो जाएगा। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग इस चीज के बारे में सोचते हो, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी और अल्लाह आपको लेके आ गया। यह ऐसा भी होता है, कभी कभी आप कुरान को पढ़ते हैं, कुरान आपकी आंखें खोलने लगता है, फिर आप कहते हैं, डर जाते हैं कि मेरे अंदर ये भी खामी, ये भी खामी, मुझे नहीं थामना, ये तो ऐसी किताब है कि जिसे फरिश्ते ही थाम सकते हैं, मैं नहीं इसको थाम सकती, यही हम सोचते हैं ना। तो
फिर जिनके पास नॉलेज नहीं होता तो वो फिर गलत राहों पर ही निकल पड़ते हैं। बल अक्सर हो ला यालमून, ये लोग क्यों नहीं समझते दलाइल के बाद भी, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास नॉलेज नहीं है। और मुश्रिकीन मक्का के पास इल्म नहीं था। आपने देखा होगा हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, बहुत कम लोगों के पास इल्म होता था, और जो इल्म वाला होता था उसको जो है बहुत ही खास समझा जाता। जब आपने देखा कि जंगे बदर में जो कैदी हुए उनको यही कहा गया कि जी आप इल्म सिखाएं, तो नॉलेज उनके पास कम था। उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की, जिन्होंने जानना वो ईमान लाए। कुरान एक ऐसी किताब थी उस वक्त कि जो इसको समझता था यानी सुनता था तो वो इसका फैन हो जाता था और ईमान ले आता, इसीलिए तो अल्लाह के नबी को साहिर कहा। लेकिन जो ईमान नहीं लाए उन्होंने कानों में उंगलियां ठोंस ली थी, इस तरह से वो ईमान नहीं लाए। वरना कुरान एक ऐसी किताब है, अहले अरब तो ये लैंग्वेज जानते थे ना। आज हम लोग कुरान पढ़कर भी नहीं समझते, दिलों पे असर नहीं करता। रीजन क्या है कि हमें इस जुबान का नहीं पता, इसलिए तो आपको लैंग्वेज सिखाने की अरबी ग्रामर थोड़ी सी कि आप डायरेक्ट कुरान तक पहुंचे और आपके दिलों पे असर करे, जैसे करने का हक है। आज हम कुरान पढ़ के भी असर नहीं हमारे दिलों पे, तो उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं कि हम लापरवाह हैं, रीजन यह कि हमारे पास इल्म की कमी है। उस वक्त भी जो सुनता था समझता था वो फौरन उनको समझ आता था कि ये किताब किसी इंसान की नहीं है, कि वो इस कुरान को मतलब इस जुबान को जानते थे। ठीक है, अगर आप किसी राइटर की किताब पढ़ते हैं तो कुछ राइटर ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये अल्फाज वाकई इस बंदे ने जिंदगी की मुश्किलात सहकर ही लिखे। राइटर की किताब पढ़कर आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो उस वक्त भी उन लोगों को पता चल जाता था, लेकिन क्या थी ला इल्मी, जो आज हम कर रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला मज़ीद फरमाते हैं, और फिर ये भी एक चीज के अक्सर हम ला यालमून, क्योंकि अक्सर नहीं जानते थे, उनमें से बहुत से लोग ईमान भी लाए, मसलन उमर बिन खत्ताब। कैसे वो दीन के लिए एक सुतून बन गए थे, दीन के लिए एक बेहतरीन सपोर्टर बनकर बाहर निकले। तो अक्सर से मुराद के सारे ही ला इल्म नहीं रहे, कुछ लोगों ने इल्म सीखा और फिर वो दीन के लिए निकले। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल। अब मजीद एक और दलील, पिछली बात इख्तसार के साथ कही गई, यहाँ पर तफसील बयान की जा रही कि नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल, इल्ला नूही, मगर हमने वही की इलैही उसकी तरफ, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, कि बेशक वो नहीं कोई इला मगर मैं ही हूँ, फाबुदून बस इबादत करो मेरी। इस आयत में आप ग्रामर के अतबार से एक चीज देखें कि शुरू में अल्लाह ने अपने लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो जमा मुतकल्लिम, अरसलना भेजा हमने, तो ये अजमत का इजहार है। अल्लाह जहाँ पे अपने लिए ना इस्तेमाल करते हैं जमा मुतकल्लिम का सीगा कि हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे क्या मतलब होता है अल्लाह का अपने लिए अजमत। और फिर अल्लाह ने आगे ही जब आना फाबुदून पढ़ते हैं, आना जमा मुतकल्लिम नहीं है वाहिद मुतकल्लिम, तो यहाँ पे फौरन बता दिया कि अच्छा बात एक बंदे की हो रही है, ज्यादा की नहीं हो रही, एक जो अवहाम और शकुक शुभात पैदा हो वो साथ ही क्लियर हो जाए। ये भी अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना हमें कुरान में सिखाते रहते हैं। अच्छा जी, अब मजीद वाजे की गई किताब, हवाला दिया गया पिछली किताबों का, अब रसूलों का भी जिक्र आ गया। आम बात कर दी कि आपसे पहले जो भी रसूल हमने भेजा उसे किताब दी या ना दी, पहले उन रसूलों की बात हुई थी जिनको अल्लाह ने किताब दी, अब अल्लाह सुब्हान तआला उनकी बात कर रहे हैं जिनको किताब नहीं भी मिली। जितने भी रसूल आए अल्लाह सुब्हान तआला ने सबको पहला पैगाम क्या दिया, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि कोई इलाह नहीं मेरे सिवा, बस तुम मेरी इबादत करो। और हर नबी ने
हर नबी ने यही बात आकर कही कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अब ये बात सीखनी क्यों जरूरी है? तौहीद उलूहियत, सबको तौहीद उलूहियत के लिए मबूस किया। बहुत से लोग कुफार भी तौहीद रुबूबियत के कायल हैं। तौहीद रुबूबियत क्या है? रब को, अल्लाह को रब मानना कि वो पालने वाला है, वो देने वाला है, वो संभालने वाला है, वो रिस्क देता है। उलूहियत का मतलब है उसको अकेला समझना। अब कुफार का अकीदा अल्लाह के बारे में यहाँ पे आके थोड़ा सा हो जाता है, जैसे हिंदुओं का भी। जब आप हिंदुइज्म को पढ़ते हैं वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रब का है। मैं सुना भी होगा उनकी जुबान में रब का लफ्ज, और वो अल्लाह को रब मानते हैं। वो ऊपर वाला कहते हैं कि ऊपर वाले से मांग रहे, ऊपर वाला ये करते, ऊपर वाला, तो वो अल्लाह को तो मानते हैं। अच्छा, बुतों को साथ शरीक इसलिए चढ़ाते हैं कि ये जो है ना बुत हमारी अल्लाह के लिए सिफारशी है। तो यहाँ से हमें दलील मिलती है कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज की दावत दी हर कौम को और हर नबी ने जो सबसे पहले दावत दी वो किसकी थी? तौहीद उलूहियत की। ला इलाहा इल्ला, जो ला इलाहा इल्ला है ना, ला ला नहीं, यही है तौहीद उलूहियत। ला से सब माइनस हो जाता है। लफ्ज ला की जिसको समझ आ जाती है ना, वो इलाह तक पहुंच जाता है। हमें अपने कलीमे की ही समझ लेंगे। जो बंदा कलीमा ला जो है ना, ला बुतों की भी नफी करते हैं और हमारे अंदर जो नफ्स है उसकी भी नफी करते हैं कि अपने नफ्स को भी बुत नहीं बनाना। आना फाबुदून, बस मेरी इबादत करो, बस मेरी, अपने नफ्स की नहीं इबादत करनी, लोगों की बातों की इबादत नहीं करनी। दुनिया के अंदर जो आसाइशें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उन बुतों के गिर्द भी तवाफ नहीं लगाना, इंसानों की मोहब्बत के गिर्द भी चक्कर नहीं काटने। जब हम ला पे पहुंचते हैं, यानी ला तो फर्स्ट स्टेप है ना, तो जो बंदा ला को सीख लेता है वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा कर सकता है, हर चीज को माइनस कर देता है, उसकी मोहब्बत सारी मोहब्बतों से ऊपर होती है। यूं समझें कि अल्लाह की मोहब्बत एक छतरी की तरह है, बाकी सबकी मोहब्बत उसके नीचे आती है, कोई इशू नहीं है। दुनिया से सबसे प्यार करें, पेरेंट्स से करें, अपने रिलेशंस जो आपके अल्लाह ने बनाए, सब मोहब्बत रिश्तों से मोहब्बत करें, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत एक छतरी है उसके नीचे। जब उसके साथ छतरियां खड़ी कर देंगे ना, और तो किस किस छतरी को संभालेंगे? अल्लाह की छतरी को संभालेंगे, किसी इंसान की छतरी को संभालेंगे, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात की छतरी को संभालेंगे, अपने नफ्स की छतरी को संभालेंगे। इतनी ज्यादा छतरी इंसान एक साथ नहीं पकड़ सकता। और फिर किसके नीचे खड़े होंगे? सबके नीचे तो नहीं खड़े हो। अगर हम सबके नीचे खड़े होना चाहेंगे तो हम अपने आप को हमलों से नहीं बचा सकते, ठीक है, एक के नीचे खड़े होना और बाकी सबको उसके अंडर करना। ला नहीं, कोई मुझे छतरी नहीं चाहिए, माइनस करते जाए, इसको भी इनकार, इसको भी रिजेक्ट करें, शैतान को रिजेक्ट करें, अपने नफ्स को रिजेक्ट करें, दुनियावी मोहब्बतों को रिजेक्ट करें, किसी इंसान को इतनी एडिक्शन ना बनाए कि उसके बगैर रहना आपके सांस का मसला बन जाए, ठीक है। जिद, इज्जत ना बनाए, बछड़ा ना बनाए कि आप उसको पूजने लगे, ठीक है। ये जब इंसान इस लेवल पे आता है तो फिर बहुत बड़ी आजमाइश आती है। अगर आपने कुरान को थामा हो ना, तो फिर आजमाइश आती है, और जब आप उस आजमाइश पे पूरा उतरते हैं तो रब सब कुछ आपके कदमों में ला के रख देता है। लेकिन मस्ता तब आता है जब हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगते हैं। तो शिर्क उसी वक्त, उस दौर में नहीं होता था, आज भी हमारे ख्वाहिशात के, हमारे नफ्स के, और हम कुछ इंसानों के बुत खड़े किए हुए, हम कलीमे पर पूरा नहीं उतरते, हम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लेते। तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह फाबुदून, इस जुमले को आप बस गौर से देखते जाए ना, आपको पूरी बात समझ आ जाती है। मैंने इस चीज को भी अपना इलाह बनाया हुआ है,
मैंने इस चीज को भी अपना इलाज बनाया हुआ, ये ख्वाहिश भी मेरे ऊपर हावी हो जाती है, मुझे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। रब ने तो कहा मेरी इबादत करो, अनफाबुदू बस मेरी ही इबादत। असल में ये फाबुदू नहीं था, यह मुतकल्लिम भी थी और यह मुतकल्लिम होता है मतलब पॉजेसिव के लिए मेरी, लेकिन वक्फ की सूरत में उसको हमने हज़्फ़ कर दिया। قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه, उन्होंने कहा कि बनाई है अल्लाह ताला ने औलाद, सुबहानहु अल्लाह तो पाक है, तुम अल्लाह के साथ इस कदर छोटा छोटी बात करते हो। अकली और नकली दलीलों से शिर्क की तर्दीद के बाद अब अल्लाह ताला उन लोगों का रद्द करें जो अल्लाह को साहब औलाद करार देते हैं। अरब के बाद मुशरकीन का अकीदा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, और यहूदियों का कहना था नाउजु बिल्ला जिन्नात अल्लाह ताला के ससुराल है। अल्लाह अकबर, यानी इस तरह की बात अल्लाह के साथ, ये जो रिश्ते हैं ना ये कमजोरियां होती हैं, ठीक है। और फरिश्ते कहते थे कि जिन्नात अल्लाह के ससुराल हैं और जिनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। इसी तरह यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बताया, और नसारा ने मसीह अलैहिस्सलाम को, और आज हमने क्या किया? अब हम समझ रहे हैं शुक्र है हम इस कैटेगरी में नहीं आते, नो, हमने इन सबसे बढ़कर बड़ा जुर्म किया। क्या किया चलिए बताएं, इस आयत के जुमरे में हमने क्या किया? قالوا اتخذ الرحمن ولدا, हमने औलाद नहीं अल्लाह की डुप्लीकेट कॉपी बना दी। हमने कहा औलाद तो छोटा है काम, अल्लाह ताला की फोटो कापियां भी। क्या किया हमने? हमने नबी को अल्लाह के जाती नूर का टुकड़ा करार दिया। और बास ने कहा अशार कभी सुना करें, वो अशार सुने नहीं जाते जो अल्लाह ताला के साथ अल्लाह की, यानी आपको पता है शिर्क के बारे में कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी शिर्क होगा, वो चाहे तहज्जुद गुजार भी हो ना, नेकोकार हो, रोजे रखने वाला, वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, हो ही नहीं सकता वो जन्नत में दाखिल हो। कि अल्लाह शिर्क वाले को कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह को शिर्क वाला काम सबसे, यानी कि कबीरा गुना हो, जना से भी बड़ा काम है ये शिर्क। अगर आप किसी को कहें ना, पूछे कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना। हमने क्या किया? चाहे वो आप किसी नबी को शरीक क्यों नहीं बनाते, अशार आपको सुनने के मिलेंगे कि खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन, मोहम्मद, अस्त, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। यानी अल्लाह के नूर से पैदा हुए, यानी अल्लाह ताला ने अपने अपने वजूद के कुछ टुकड़े जमीन पे भेजे। वो कौन कौन से हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रजी अल्लाह अन्हु, फातिमा रजी अल्लाह अन्हु, अनहा और हसन हुसैन। बहुत अकीदत के साथ ये रिश्ते हमारे लिए काबिल एहतराम है, इन जैसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन रब का दर्जा तो नहीं देना, हमने तो इंतहा की ज्यादती कर दी है अल्लाह के साथ। और अल्लाह के साथ जुल्म नहीं करते, हम अपनी जात के साथ जुल्म करते हैं। खुद सोचें तहज्जुद पढ़कर भी जब जन्नत ना मिलेगी तो क्या फायदा होगा, इंसान पीटेगा खुद को। मुझे लगता है कि इंसान अपने आप को मारेगा, अपने आप को इंसान पीटेगा कि मैंने इतनी नेकियां करके शिर्क की वजह से सब कुछ जाया कर दिया। शिर्क की बदतरीन सूरत क्या है? अल्लाह के, यानी अल्लाह की औलाद बना देना, अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराना, तो जात में शिर्क, ये अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेंगे। सिफात में शिर्क भी नहीं माफ करेंगे, जो मुश्किल कुशा समय हम कहते हैं ना, अच्छा हम अल्लाह के साथ जाती तौर पे शिर्क नहीं ठहराते, मुश्किल कुशा के अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया है हमारी मुश्किल आसान कर सकते हैं, नो, ना जात में ना सिफात में। قال اتخذ الله اتخذ الرحمن ولدا, तुम रहमान के साथ औलाद करार देते थे हो, रहमान जो तुम पे इतनी रहमत नाजिल करता है, तुम्हारी गलतियों को माफ करता रहता है, तो इंतहा तो ना करो, सुबहाना वो सब चीजों से पाक है। पर इबादुल मुकरमून,
अब देखिए अल्लाह ने कितना प्यारा जवाब दिया। अल्लाह कहती है जो बंदे हैं जिनको तुम रुतबे देते 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 मेरे तक पहुंचा देते हो, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, जो इज्जत दिए गए लेकिन बंदे हैं, गुलाम हैं। अब देखेंगे आपके कुछ मुलाजिम होते हैं, उनमें से आप कुछ को रिस्क कोई प्रमोशन देते हैं या उनको इज्जत देते हैं क्योंकि वो काबिल होते हैं, काबिल इज्जत देते हैं, लेकिन वो मालिक तो नहीं होते, अपनी चेयर पे तो नहीं आप उनको बिठा सकते, इज्जत देते हैं। तो अल्लाह ने इनको इज्जत दी है जिनको तुम खुदा समझने लगे हो, खुदा के बेटे और बेटियां करार देते हो और खुदा ही करार देते हो। सुबहानहू, वो पाक है उन कमजोरियों से। औलाद एक की पैदाइश है, एक कमजोरी है। इंसान औलाद को क्यों लेना चाहता, अपनी ज़ाती कमजोरियों की वजह से, अपनी ज़रूरत की वजह से। वो मुश्किल में मदद करेगी, बुढ़ापे में सहारा बनेगी, मरने के बाद जानशीन बनेगी। औलाद के लिए बीवी का होना लाजिम होता है। इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से बीवी का मोहताज होता है, फिर औलाद पैदा होती है। हमें शर्म नहीं आएगी ये बात कहते हुए कि हम अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह को बीवी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला तो इन सब कमजोरियों से पाक है, वो गनी है। अगर उसमें ये कमजोरियां हों तो वो रहमान नहीं होगा बल्कि खुद रहम के काबिल होगा। जिस तरह तमाम इंसान, जिन फरिश्तों, तमाम मखलूकात होती, सुबहानहू वो पाक है। और बल इबाद मुकरमून कह के रद्द किया कि ये लोग औलाद कह रहे हैं, वो बंदे गुलाम हैं। गुलाम अपने मालिक की औलाद नहीं होता, अपने बाप की, बाप जो है, बाप और बेटे के दरमियान में जो रिश्ता होता है ना, या तो वल्दियत का होता है या अब्दियत का होता है। अब्दियत, अब्दियत कहते हैं गुलामी का, ठीक है, और या फिर किसका होता है, वल्दियत का। इसीलिए इससे ये फतवा भी दिया जाता है कि अगर एक गुलाम अपने बाप के पास आ जाए गुलाम बनकर, तो वो आजाद हो जाएगा, यानी उसका रिश्ता वल्दियत का होगा, अब्दियत का नहीं होगा। यानी बाप और बेटे के दरमियान में गुलामी का रिश्ता हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचेंगे अल्लाह की औलाद होती तो क्या वो अब्द होती? नहीं होती, वो फिर वल्दियत का अल्लाह के साथ रिश्ता होता। तो अल्लाह ने तो अपने सब बंदों को इबाद कहा है, इबादुर रहमान, और अल्लाह ने गुलामों को बड़ी इज्जत दी है। तो तुमने उन गुलामों को अल्लाह ने इज्जत दी और उन गुलामों की इज्जत को तुमने खुदा का दर्जा दे दिया। मुकरमून, अल्लाह ने इनको उनकी क्वालिटीज की वजह से रिस्पेक्ट दी लेकिन अपना शरीक नहीं बनाया। ला यस्बिकूनहु बिलकौली वहुम बिअम्रिहि यअमलून। ला यस्बिकूनहु, ला नहीं, यस्बिकूनहु वो आगे बढ़ते उससे, बिलकौली बात में, वहुम और वो बिअम्रिहि उसके हुक्म पर ही, यअमलून अमल करते हैं। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है लेकिन वो अल्लाह के आगे बात नहीं कर सकते। वो वही बात जुबान से निकाल सकते हैं जो अल्लाह उनको ऑर्डर करे, लेकिन माँ बाप के साथ बच्चे का ये रिश्ता नहीं होता। बच्चा अपनी माँ से, माँ बाबा के साथ नखरे भी दिखाता है, उनसे रिक्वेस्ट भी, उनसे कोई भी बात कर लेता है, मोहब्बत शफकत प्यार का रिश्ता होता है, कुछ भी कह लेता है, मजाक भी कर लेता है, ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। तो अल्लाह के साथ हमारा वो रिश्ता नहीं हो सकता, हम उसके गुलाम हैं, इबाद हैं। लफ्ज इबाद को समझने की भी जरूरत है। आज अगर हम अल्लाह की बात नहीं समझते सुनते, हमारे अंदर भी एक एटीट्यूड आ गया, हमने अपने आप को गुलाम नहीं समझा। गुलाम समझेंगे तो अल्लाह की बाहर बात मानेंगे, अगर उनको गुलाम नहीं समझेंगे तो अल्लाह की बातों को आम समझने लगेंगे। तो यूँ सोचे कि जैसे आप अपने बॉस की इज्जत करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप अपने सर की रिस्पेक्ट करते हैं, मैडम की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हर बात को समझते हैं और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला तो उन सब बंदों से ज़्यादा बड़ा मालिक है हमारा। हम उसकी बातें, उनके हुक्म सुन कर भी अगर अमल ना करें तो हम अल्लाह को वो मुकाम, वो इज्जत, वो अल्लाह को रुतबा नहीं दे पा रहे जो उसका हक है। हमें भी खुद को गुलाम समझने की ज़रूरत है और सबसे पहले हमें अपने आप को शिर्क से पाक करना है, अदरवाइज कोई भी नेकी काम नहीं आएगी। ठीक है,
जिन लोगों को आप वेल सेटल देखते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर बैठा हुआ देखते हैं, उनके बारे में भी ये सोचा करें कि ये खुदा नहीं है। ला यस्बिकूनहु बिलकौली वहुम बिअम्रिही यअमलून, कि ये अल्लाह से आगे बात नहीं कर सकते, कि जो भी बात कहेंगे अल्लाह की मशीयत से कहेंगे, अल्लाह ने उनको इजाजत दी होगी। وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ